क्लास सिक्स के स्टूडेंट देखें, ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे। पेज नंबर 5 पर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशन से, अर्थ की कंडीशन से। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइक आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। इसकी शर्त एक ऐसी शर्त है कि केवल धरती पर ही, इस पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, न तो ये ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है। वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंटियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हवा पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, उसमें बहुत से गैसेज हैं, ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसके कारण से, द अर्थ इज यूनिक प्लानट एंड सोलर सिस्टम, और इसमें यूनिक प्लानट और सोलर सिस्टम भी हैं। फ्राम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज देयर फॉर कॉल्ड ब्लू प्लानट। जब हम धरती की ऊपर से देखते हैं, स्पेस अंतरिक्ष देखते हैं इस धरती को, तो यह ब्लू देखता है क्योंकि इसमें टू थर्ड सरफेस जो है इसकी पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसको ब्लू प्लानट भी कहते हैं। अब देखते हैं, डू यू नो, आप भी जानिए, क्या आप ये जानते हैं, जैसे लाइट ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या आपको पता है लाइट जो है, प्रकाश की गति जो है 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से चलता है। एट इवन विद दिस स्पीड लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच अर्थ। इतनी स्पीड के चलने के बावजूद भी पृथ्वी पर प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 3 लाख पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चलने के बाद पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट का समय लगता है। देखते हैं मून, और मून अर्थ हैज ओनली वन सेटेलाइट। हमारे धरती का जो, धरती हमारी है, उसकी एक ही उपग्रह है, दैट इज मून। वह मून है, इट डायमीटर इज ओनली 1/4 टू ऑफ अर्थ, 1/4 है इसका पृथ्वी का। इट्स अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट दैट इज सेंट्रल बॉडी। जो भी आकाशीय पिंड हैं, नक्षत्र पिंड हैं, उनसे ये सबसे निकट है, इसीलिए ये थोड़ा बड़ा दिखता है। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर फ्रॉम अस, यह लगभग 384,400 किलोमीटर हमसे दूर है। नाउ यू कैन कम पेयर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन एंड दैट फ्रॉम मून। अब हम इसकी दूरी को सूरज से या पृथ्वी से बीच की दूरी को तुलना भी कर सकते हैं, इसका अनुमान भी लगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसकी देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट में है, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन स्टेप ऑन सरफेस ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969 में, जो पहली बार वो जो है आर्मस्ट्रांग, वह पहली बार अपना पैर रखा था, वहाँ पहुँचा था चंद्रमा पर, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून, क्या और कोई भारतीय वहाँ पहुँचा है, इसका पता करें। तो द मून सराउंड द अर्थ अबाउट 27 डेज, यानी चंद्रमा जो है लगभग 27 दिन में चक्कर लगाता है। इट्स टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, एक चक्कर लगाने में उतने ही समय लगता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ, परिणाम ये होता है कि चंद्रमा का केवल एक भाग ही हम देख पाते हैं धरती से। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, उस पर जीवन यापन करने की ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। इट हैज़ माउंटेंस प्लान एंड डिस्प्रेशन ऑफ सरफेस, इस पर पहाड़, मैदान और कई तरह के धरातल हैं। दिज कास्ट शेडोज ऑन मून और फेस, लुक एट फुल मून एंड अवल शेडोज, इस पर भी छाया प्रतिबिंबित होता है और छाया बनता है।
जैसे ह्यूमन मेड सेटेलाइट्स को देखें, नीचे ह्यूमन मेड सेटेलाइट्स फिगर नंबर 1.4 पर, ये सेटेलाइट्स इस सेंट्रल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट सेम वे, सेटेलाइट भी वही है जो उसी रास्ते से उसी ढंग से उसका सूरज का चक्कर लगाता है। और ह्यूमन मेड सेटेलाइट देखें, ये ह्यूमन मेड सेटेलाइट इट इज ए आर्टिफिशियल बॉडी, एक बनावटी सेटेलाइट है, भाग है, अंग है। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स आर फॉर कम्युनिकेशन, या साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई एक डिजाइन के रूप में बनाया गया जो पूरे ब्रह्मांड से हम जो सूचना मिले इससे संपर्क बनाए रखें, इसके लिए बनाया जाता है। इट इज कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये रॉकेट के द्वारा हम इसको भेजते हैं और पृथ्वी के कक्ष में इसको विस्थापित कर देते हैं। सम द इंडियन सेटेलाइट स्पेस जैसे इनसेट, इसरो, ISR, टेस्ट, ETC, ये हैं। जैसे लिखा है व्हाट डू एनिमल्स प्लांट्स रिक्वायर टू आर ग्रो एंड सरफास सर्वाइव्स, यहाँ पर जीने के लिए जानवरों और पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे देखते हैं। एस्ट्रोडिट्स को ए पार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लानेट एंड सेटेलाइट्स, ये बहुत दूर है, ए पार्ट मतलब स्टारों से भी दूर है, ग्रहों और सेटेलाइट से दूर है। देयर आर ए नंबरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन, असंख्य छोटी छोटी भी आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की चक्कर लगाते हैं। दिज बॉडी आजकल एस्ट्रॉइड, इसको एस्ट्रॉइड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो मार्स और जुपिटर के बीच कक्ष में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट प्लानेट विच एक्सप्लोर्ड मेनी ईयर्स बैक, वैज्ञानिकों का कहना है इसको निर्धारित करने के लिए यह कई साल लग जाते हैं घूमने में। और मेट्रोडिट्स, मेट्रोडिट्स देखें, स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोडिट्स, छोटे छोटे चट्टा टुकड़े जो है चट्टान के जो सूरज के चारों ओर वो भी घूमते चक्कर लगाते हैं उसी को मेट्रोडिट्स कहते हैं। समटाइम दिस मेट्रोडिट्स आर कम नियर अर्थ एंड टेन ड्राफ्ट अपॉन इट, कभी कभी ये पृथ्वी के पास आ जाते हैं और गिरते भी हैं इसी पर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एयर दे गेट हीटेड अप द ड्रम, बहुत गर्म हो जाते हैं और जल उठता है। इट बिकॉज फ्लैश लाइट, चमकता है, लॉब में धधक उठता है। समटाइम्स मेट विदाउट बींग कम्प्लीटली बर, कभी कभी यह बिना जले भी गिरता है। फॉल्स ऑन अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो और सुरंग बना देता है। ड्यूसिव विदिश वाइट ब्रोड लाइट वाइट ग्लोइंग दी पायथ क्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर एस्टेरी नाइट, जरात में तुम देखते हो बिल्कुल एक रास्ता जो साफ सफ़ेद दिखता है चमकता हुआ। इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार, जो मिलियंस करोड़ स्टार का एक झुंड है। दिस बैंड इज मिल्की वे गलेक्सी, इसको मिल्की वे कहते हैं। और सोलर सिस्टम पार्ट ऑफ गलेक्सी इन सेंट इंडिया, हमारे सोलर सिस्टम भी इसी का एक भाग है। वाज इमेजिन टू रिवर, द रिवर शोइंग द स्काई, कहा जाता है कि आकाश गंगा है, इसी को आकाश गंगा भी कहते हैं। ये आकाश का रिवर है हल्का सा जो चल आकाश में, इसको आकाश गंगा भी कहते हैं। ए गलेक्सी ह्यूज सिस्टम ऑफ मिलियन स्टार गलेक्सी को कहते हैं, बड़े बड़े करोड़ों छोटे तारों का झुंड है उसको गैलेक्सी कहते हैं। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस भी है, इसको गैलेक्सी है। देयर आर मिनी ऑफ सच गैलेक्सी दैट इज यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से गैलेक्सी हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ द बिग यूनिवर्स, यह सोचना या इसकी कल्पना करना बहुत कठिन काम है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कैसा है।
साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। हमारे वैज्ञानिक भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने की प्रयास कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। ये तो हमें पता नहीं, हम इसके निश्चित कह नहीं सकते इसकी आकार कैसी है, इसका बनावट कैसा है, लेकिन ये हम ये बता सकते हैं, ये पूरी हमको मालूम है, हम सबको मालूम है कि हम लोग भी इसी के एक पार्ट हैं, एक भाग हैं, इसे जुड़े हुए हैं। इस तरह से ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर आपकी फिनिश्ड होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो भी वीडियो होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सेंड की जाएगी।